घटना वाले दिन प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस मुलाजमान तो एस एल आर खोह ली सी। प्रदर्शनकारियों विचों एक ने एस एल आर दे विचों गोली चला दी जो अजीत सिंह नूं जाके लगी। पर जिहड़ी गोली नाल दो बंदे कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह न्यामी वाला उन्हां दी मौत होई, वह गोली किहड़ी सी? अठा सालों के अजे तक तो इन्ने क मामले ती पहुंचे है, क्योंकि दिन तो 8 साल पूरे होने सिर्फ महीना रह गया। कोटकपुरा गोली कांड मामला वो नवा मोड़ आ गया है। मोड़ इस तरह आया है कि कोटकपुरा गोली कांड की जांच कर रही सिट वालों एक खुलासा किया गया, एक चार्जशीट दाखिल की गई सी। उदे विच कहा गया है कि शिकायतकर्ता प्रदर्शनकारी अजीत सिंह अपने साथी प्रदर्शनकारियों की गोली दे नाल ही जख्मी होया सी। पुलिस मुलाजम तो एस एल आर खून तो बाद गोली चलाने के दोष पत्र दे विच खदशा प्रगटाया गया है। तो सिट ने दोषां दे नाल जिहड़ा है वो तत्थ भी शीट दे विच शामिल किए ने, वेरवे सीसीटीवी फुटेज तो सीडी भी नत्थी की है। तो कुल मिला के यही सामने आ रहा है, इस दे विच खुलासा यह हो रहा है कि घटना वाले दिन प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस मुलाजमान तो एस एल आर खोह ली सी। प्रदर्शनकारियों विचों एक ने एस एल आर दे विचों गोली चला दी जो अजीत सिंह नूं जाके लगी सी। देखो जिहड़ा ये खुलासा हुण होया, मैनूं लगदा एक किते सामने कीता नहीं रख्या सी, जां इस मामले दे विच जो हूँ एस एल आर की गोली ये 7 साल बाद 7 साल लग गए ये मामले नूं कवर होंदे आ, एक अपने किस्म की गल है। पर जिहड़ी गोली नाल दो बंदे कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह न्यामी वाला उन्हां दी मौत होई, वह गोली किहड़ी सी? असल जांच तां विशे तां उह भी है। पुलिस ने उस वेले भी बनाया सी कि साढ़े ते हमला कर दिता गया सी, असी तां जवाब विच फायरिंग कीती है। जे ये चीज़ साबित हो जाती है तो ये केस दा सारा दृश्य ही बदल जाएगा। पता नहीं हले अगे जाके इहदा की होना की नहीं होना, सुनवाई होनी है। जिहड़ा सरकारी धिर ने उन्हें अपना केस पक्का करना है, तो जिहड़ी विरोधी धिर है उन्होंने अपना केस पक्का करना है। हुण 8 सालों के अजे तक तो इन्ने क मामले ती पहुंचे है, क्योंकि दिन तो 8 साल पूरे होने सिर्फ महीना रह गया। सो अदालत विच उन्हों केस जां तां फास्ट ट्रैक अदालत नूं दिता जाए, जिहड़ा दिन तो दिन सुनवाई करे तो मामले नूं किसे पासे ला लवे। देखदे आं इस मामले दे विच अगे निकल के होर की आउंदा है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खुलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।